नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। इस समय 4 बज गए हैं। 4 बजे तक की मतगणना के ताजा हालात बताने के लिए मैं आपको इंजीनियरिंग कॉलेज ले चलता हूं और बताता हूं आपको। वहां पर देवतालाब में इस समय कांग्रेस को 13,894 वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को 18,663 वोट मिले हैं, वहीं बीएसपी को 19,783 वोट मिले हैं। कहा जा सकता है यहाँ पर बीएसपी लगभग 900 वोटों से आगे है। ये तो था हाल देवतालाब का, जहां पर लगातार कभी बहुजन समाजवादी पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी 1,500 वोटों से आगे पीछे हो रही है। मैं आपको ले चलता हूं मऊवन और बताता हूं वहां के ताजा हालात। मऊवन में 15,595 वोट पाकर प्रदीप पटेल प्रथम स्थान पर हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी हैं बीएसपी के 11,209 वोट पाकर मृगेंद्र सिंह। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के वहां पर विधायक थे सुखेंद्र सिंह बन्ना, उन्हें 11,067 वोट अभी तक मिले हैं, वो इस समय तीसरे स्थान पर हैं। बात की जाए मनगवा की, मनगवा में पंचूलाल प्रजापति को इस बार उनकी पत्नी की जगह टिकट दिया गया था। पंचूलाल इस समय काफी ज्यादा वोटों से आगे हैं, माना जा सकता है वो इस बार आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। पंचूलाल के लगभग 20,161 वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस के 13,561 मिले हैं। पिछले वर्ष की वहां की बीएसपी से जो विधायक हुआ करती थी शीला त्यागी, उनको महज 2835 वोट ही अभी तक प्राप्त हुए हैं। बात की जाए त्योंथर की, तो त्योंथर में इस समय कांटे का संघर्ष है। वहां पर इस समय कांग्रेस को 17,023 वोट मिले हैं, तो बीजेपी को 15,651, बीएसपी को 3,972 वोट मिले हैं। गुड़ की अगर बात की जाए, गुड़ में काफी कश्मकश वाला मुकाबला था। यहां पर बीजेपी के नागेंद्र सिंह 17,819 वोट लेकर प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। अगर वहां पूर्व विधायक की बात की जाए, पूर्व में वहां पर विधायक थे सुंदरलाल तिवारी, उनको 15,798 वोट मिले हैं। वहीं बीएसपी और सपा को 11,727 वोट मिले हैं। ऐसा बहुत कम देखने पे आता है कि ये दो बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी को किसी भी चक्र में समान वोट प्राप्त हो, लेकिन ये गुड़ में देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं 11,626 वोट यहां पर इस समय अभय मिश्रा को मिले हैं। राजेश शुक्ला की बात की जाए तो 16,417 वोट मिले हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी को 3,082 वोट मिले हैं। यह इस समय राजेश शुक्ला 5,000 वोटों से लीड बनाए हुए हैं। सिरमौर की बात की जाए तो सिरमौर में इस समय बीजेपी के देवराज सिंह, पूर्व में विधायक हुआ करते थे, इस बार भी वो 10,665 वोट के साथ प्रथम स्थान पर हैं। वहीं अरुणा तिवारी, जिनको 8,518 वोट मिले हैं, वो दूसरे स्थान पर हैं। दोनों के बीच लगभग 1900 वोटों का फासला है। बीएसपी 6,107 वोट लेकर तीसरे स्थान पर है इस समय। वहां पर से एक नई पार्टी सपा का भी उम्मीदवार था प्रदीप सिंह पटना, उनको 4,444, इसका मतलब 4,444 वोट अभी तक प्राप्त हुए हैं। सेमरिया की बात की जाए तो सेमरिया में कांग्रेस 14,815 वोट लेकर दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर माना जा रहा था केपी त्रिपाठी बीजेपी के कमजोर प्रत्याशी भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वो 17,846 वोट पाकर प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। उनके और कांग्रेस के बीच की लीड का अंतर लगभग 2,500 वोट का है। वहीं अगर बीएसपी की बात की जाए तो 16,263 वोट लेकर बीएसपी दूसरे स्थान पर है। उस बीजेपी प्रत्याशी बीएसपी प्रत्याशी से लगभग 1,000 वोट के आगे है। त्योंथर की बात की जाए तो त्योंथर में लगातार कांग्रेस के रमाशंकर आगे बने हुए थे, लेकिन अभी अभी कांग्रेस के रमाशंकर बीजेपी के श्याम लाल से लगभग 100 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 22,265 वोट श्याम लाल के हैं त्योंथर के, 22,097 वोट रमाशंकर के हैं। बीएसपी वहां पर 6,140 वोट लेकर तीसरे स्थान पर बनी हुई है। मेरे पास अभी भी ताजा जानकारी आ रही है, मैं अभी आपको अभी आंकड़े जो मैं बता रहा था उससे आगे की जानकारी मैं दे दूं। रीवा विधानसभा में 8 सीटें हैं इस समय, 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उनका नेक टू नेक मुकाबला है त्योंथर में रमाशंकर कांग्रेस के साथ, नई गढ़ी विधानसभा में बीएसपी और भाजपा वहां पर बिल्कुल लगभग नेक टू नेक फाइट में, लेकिन इस समय बीजेपी वहां से भी आगे। इस तरीके से त्योंथर मऊगंज में भी बीजेपी आगे हो गई है। इसका मतलब यह है कि रीवा विधानसभा की 8 की 8 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। यह आंकड़ा है शाम के 4 बजे तक का। खबर वो जो सही रास्ता दिखाती है, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी है, खबर वो जो निकल कर सामने आती है। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, जिसका ताल्लुक आपसे।
वो नहीं जो केवल बड़े बोल बोलती है, खबर वो जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है, खबर वो नहीं जो केवल सनसनी फैलाती है। सच्चे और सही रास्ते से गुजरकर जो लाए सही पहचान, यही है नई दर्शन की पहचान।